टीम इंडिया अगर ये 5 बड़े कदम उठाएगी तभी वनडे विश्व कप जीत पाएगी। अगर फिर से गलतियां दोहराएगी तो अपने ही घर में हार कर बाहर हो जाएगी। अब बीसीसीआई के टारगेट पर है 5 खिलाड़ी, विश्व कप में मौका मिल सकता है इस बार ही। 5 तूफान मचाते हैं, अपने दम पर मैच जिताते हैं। अगर इस प्लेइंग 11 को टीम इंडिया दे मौका तो छप्पर फाड़ देगी, हर टीम को जमीन में गाड़ देगी। बीसीसीआई वालों, अब इस टीम को खिलाओ, विश्व कप जीत जाओ। धोनी के बिना टीम इंडिया नहीं जीत पाएगी, इस बार धोनी की मदद जरूर ली जाएगी। अब धोनी वो दाव बताएंगे जो टीम इंडिया को चैंपियन बनाएंगे। जी हाँ, पिछले लगभग 10 सालों में टीम इंडिया ये देख चुकी है कि धोनी के बिना हम विश्व कप नहीं जीत सकते। बेशक कोई भी कप्तान बनाया जाए लेकिन वो विश्व कप नहीं जीता पाएगा। लेकिन अब बीसीसीआई के दिमाग में वो चाल आ गई है जिसके बाद साल 2023 का विश्व कप हमारा हो सकता है। लेकिन उसके लिए 5 बड़े कदम उठाने होंगे। अगर टीम इंडिया को विश्व कप जीतना है तो कुछ खिलाड़ियों को अंदर लेना होगा और सबसे बड़ी बात, धोनी को ये जिम्मेदारी देनी होगी। तो चलिए अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको टीम इंडिया के विश्व कप जीतने का फॉर्मूला बताते हैं। नंबर 1, फैसला। बीसीसीआई को सबसे पहले देखना होगा कि टीम इंडिया की हार किस वजह से हो रही है। अभी तक जो बातें सामने आई हैं वो कप्तानी को लेकर हैं। तो साल 2023 के विश्व कप से पहले बीसीसीआई को सबसे पहले अपना कप्तान बदलना होगा और एक ऐसे खिलाड़ी को हाथ में कप्तानी देनी होगी जिसके अंदर ये कारनामा करने की ताकत हो, जैसे हार्दिक पांड्या। नंबर 2, फैसला। कप्तान को बदलने के बाद बीसीसीआई को मैच विनर खिलाड़ियों को खोजना होगा। ऐसे खिलाड़ी चुनने होंगे जो बड़ा नाम नहीं बल्कि बड़ा काम कर सकें, जो टीम पर बोझ न बने। इसके लिए बीसीसीआई को कुछ अपने चहेते खिलाड़ियों को बाहर बैठाना पड़ सकता है। खिलाड़ी चुनने का फैसला अगर कप्तान पर छोड़ दिया जाए तो शायद बेहतर होगा। नंबर 3, ये परेशानी टीम इंडिया की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है, आपसी मतभेद। किसी भी टीम को बड़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए एकजुट होना बहुत जरूरी है, जबकि टीम इंडिया को देखकर साफ पता चलता है कि टीम में कुछ तो गलत है। इसलिए अगर आपको अपने घर में विश्व कप जीतना है तो सबसे पहले टीम को एकजुट होकर खेलना होगा। इसके लिए भी कुछ बड़े फैसले लेने की बहुत सख्त जरूरत है। नंबर 4, ये बात धोनी की टीम से सीखनी होगी। धोनी की टीम में हर खिलाड़ी अपने आप में चैंपियन था, खिलाड़ियों को अपने खेल पर भरोसा था। हर खिलाड़ी ये जानता था कि वो अपने दम पर मैच जिता सकता है और उसका नतीजा भी मैदान पर देखने को मिलता था। अगर टीम इंडिया को विश्व कप जीतना है तो खिलाड़ियों के अंदर जीत की भूख भरनी होगी। इस टीम के अंदर जीत के लिए जज्बा दिखाई नहीं देता, जो किसी भी टीम के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 5, ये बात भी हर चैंपियन टीम के लिए बहुत जरूरी है, वो है मैदान पर उतरने से पहले आपकी सोच। मैदान पर उतरने से पहले धोनी अपनी टीम को निडर होकर खेलने के लिए कहते थे। धोनी का कहना था कि हार और जीत हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन निडर होकर खेलना और आखिरी दम तक जीत के लिए लड़ना, ये हमारे हाथ में है। लेकिन आज की टीम में वो जोश और कप्तान के अंदर वो सोच नजर नहीं आती। लेकिन वहीं अगर बात खिलाड़ियों की करें तो टीम में रिंकू सिंह जैसा फिनिशर खिलाड़ी, जायसवाल जैसा ओपनर खिलाड़ी, उमरान जैसा निडर गेंदबाज, तिलक वर्मा जैसा बेखौफ बल्लेबाज टीम को सख्त जरूरत है। अगर इन खिलाड़ियों को विश्व कप में मौका मिलता है तो टीम इंडिया बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। आपका हमारी इस रिपोर्ट पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या इन खिलाड़ियों को आपको लगता है कि टीम विश्व कप जीत पाएगी ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।